प्रदेश के 15 जनपदों में लगातार लंपी रोग बढ़ता जा रहा है। लंपी रोग जानवरों में होने वाले स्किन रोग को नाम दिया गया है, जिसके बाद इसका संक्रमण पर रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसी के लिए आज बरेली में समीक्षा बैठक करने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक आंवला से विधायक धर्मपाल जी, जो कि यहाँ पर विधायक हैं, और इसी के साथ पशुधन मंत्रालय और मुस्लिम वक्फ और अल्पसंख्यक समाज का जो मंत्रालय है उसको भी देख रहे हैं, वो आज बरेली पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की है। यहां पर उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया है कि कैसे इस पर रोकथाम की जाएगी, आगे आने वाले समय में वैक्सीनेशन के भी कार्य प्रारंभ होने वाला है, उस अभियान को कैसे क्रियान्वयन में किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने पूरे एक प्रेस वार्ता संबोधित की है। इसके साथ ही उनके साथ सवाल भी दागे गए थे पत्रकारों के द्वारा कि तमाम वफ की जमीनें हैं उन पर किस तरीके से अतिक्रमण करके लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन पर क्या किया जाएगा। तो वो इस सवाल से फिलहाल बचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आगे इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी जो कि प्रदेश के 15 जनपदों में ये लंपी रोग जो फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए आज ये समीक्षा बैठक थी, उस पर उन्होंने अपना संबोधन देते हुए क्या कहा, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे झांसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली, बिजनौर इत्यादि जिले बहुत प्रभावित ढंग से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में का मने मानी मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं कि इस रोग को हम पश्चिम में ही रोक दें, इसके लिए पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में ये जो पड़ोस के प्रदेश हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली, इनसे पशु उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसी राज आज्ञा जारी कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं, उत्तर प्रदेश में नुमाइश पशु बाजार अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिए जाएं। दूसरा, पश्चिम जिले से पूरब की ओर आने वाले जो यातायात के जो वाहन हैं उनमें गौवंशीय और महतवंशीय पशुओं को प्रतिबंधित रखा जाए। पुलिस पूरी तरीके से चेक पोस्ट बनाकर चेक करने का काम करे, तो इस तरीके से हमने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, आप लोगों को प्रेस नोट के द्वारा ये नंबर भी दे दिए गए हैं। दूसरा, आज सुबह ही हमारी कमिश्नर बरेली और एडीजी पुलिस बरेली दोनों से बात हुई ये कमिश्नरी स्तर पर, और वो अपने रेंज स्तर पर इसको रोकने का काम करेंगे। दूसरा, आज विकास भवन में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने डॉक्टर्स, मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक कर ली। जिलाधिकारी को तय कर दिया है कि वो डेडिकेटेड एक सुपर हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए IVR इत्यादि से बनाने का काम करेंगे, ताकि जो जिले में प्रभावित होंगे पशु वहाँ ठीक ना हो पावे तो यहाँ ला के ठीक किए जाएँ। और आज हमने निर्देशित किया है सबसे पहले गौशालाओं को वैक्सीनेशन करें, और यदि कोई पशु प्रभावित है तो उन पशुओं से उन्हें अलग रखने का काम करें। ये निर्देश आज दिए गए हैं, क्योंकि पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरा प्रयास है। ये 29 अगस्त से 3 सितंबर तक एक मिशन मोड में एक अभियान चलाया गया है, जिसमें पशु विभाग के अधिकारियों को वरिष्ठ स्तर पर बना दिया गया है, प्रभारी नामित कर दिया गया है, तो सब दौरे करेंगे। और सरकार का प्रयास है कि इस रोग को पश्चिम में ही रोक दिया जाए, पूरब में इधर ना आने दिया जाए, इस तरीके से आज ये व्यवस्था बनाई गई।
अभी मुआवजे पर नहीं, पहले अभी रोकने की व्यवस्था है। टोल फ्री नंबर है 1800 1805 141 और लैंडलाइन नंबर है 0522 7409 2। मोबाइल नंबर है 7878 0776 57। ये नंबर रहेंगे। तो इस तरीके से जिलाधिकारी को आज निर्देशित किया गया है, SDM BDO CDO इन सब की मीटिंग लेकर तीनों विभाग, जैसे बरेली में महानगर में नगर आयुक्त काना उप ने, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख माननीय विधायक, ये सभी मिलकर काम करेंगे ताकि इस रोग पर काबू पाया जा सके। तो वैक्सीन क्या इसकी बन गई है सर? हाँ, वैक्सीन बन गई है। और यहाँ बरेली में अभी उत्तर प्रदेश में हमारे पास 17,50,000 वैक्सीन अभी है और वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन का अभाव नहीं है। ये कहाँ से आ रही सर ये? ये अभी कुछ बाहर से ही, आंध्रा कुछ कंपनियां हैं जिनसे तय की गई है। वैसे IBRI में भी कुछ बनी है, हम ले लेंगे। ये जो नकासों और पशु बाजार पूरे प्रदेश में रोक लगा दी गई है या अभी ये जो 7 मंडल हैं जहाँ इस रोग से प्रभाव है वहाँ रोक लगाई है अग्रिम आदेश होता है। कंट्रोल रूम क्या जिला लेवल पे? हाँ, कंट्रोल रूम यहाँ जिला लेवल बनाया। आइसोलेशन की व्यवस्था 7 मंडल कौन कौन से हैं? 7, हाँ 7 मंडल वैसे हैं। 7 मंडलों में है झांसी, आगरा और आपका मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, इस तरीके से मंडल। 7 मंडलों में प्रतिबंध रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। सर, मच्छरों से फैलने की बात कही जा रही है, क्या फॉगिंग वगैरह कराने की व्यवस्था भी है? हाँ, ये भी है। दूसरा आज कहा है अपने, हम लोग गांव से जुड़े हैं, गौशालाओं में पशुशाला में जब धुआं दिया जाता है तो जितना प्रभाव इसका वैक्सीन उसका नहीं होता छिड़काव का, उतने धुएं का प्रभाव होता है। तो अधिकारियों को ये भी कहा है कि शाम को हर गौशाला में धुआं लगाने का काम, बीमार पशुओं को तो बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी, स्वस्थ पशुओं को लगाई जाएगी ताकि वो बीमार ना हो पाए। प्रेस नोट में क्या करें क्या ना करें ये भी ये सब है, नीम का ये जो पढ़ लेना जरूरी है। हाट मेलों पर पूरे प्रदेश में आइसोलेट वही किया जाएगा जहाँ पर हैं, अलग उनकी व्यवस्था, जैसे गौशालाओं में तो आइसोलेट करने की व्यवस्था वही करनी है, उनको लाया नहीं जाएगा, बीमार पशु को कहीं और बाहर नहीं ले जाया जाएगा ताकि वो और पशुओं पर संक्रमित ना करें। वही हो जाए, जो पशु पालतू हैं अलग से पाल रहे हैं उनको भी ये सुविधा दी जाएगी, वो अलग पशुओं को ना अलग रखें। मेला लगेगा तो पशुओं का मिलन लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। गमन पर रोक है, प्रतिबंध प्रभावित राज्यों में नहीं आएंगे, ठीक है ना, कहीं भी नहीं आएंगे, कहीं पर पूरे यूपी में कहीं से प्रवेश नहीं करेंगे। सर, चरागाह पशु जाते हैं ग्रामीण स्तरों पर, क्या चरागाहों में पशुओं को ले जाने पर भी प्रतिबंध है या फिर सिर्फ जिले से या दूसरे प्रदेश से? जैसे अब चरागाह में जहाँ चरते हैं जी, तो वो तो चरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चरने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब छुट्टा पशु को, जब आपकी शंका ये भी होगी, गौशालाओं में अब नहीं भेजेंगे ताकि वो संक्रमण ना बढ़ावें, इसको जब पूरा नियंत्रण कर लेंगे तब गौशाला में भेजने का। सर, ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को जागरूक करने के लिए भी कोई अभियान? हाँ, ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को जागरूक करने के लिए पंपलेट और हैंडबिल ये दे करके, और ब्लॉक स्तर पर गोष्ठियाँ करने के लिए आज हमने जिलाधिकारी को कहा है, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, माननीय विधायकगण, ये सब इस काम में लगेंगे। वैक्सीनेशन का कार्य कब से शुरू होगा? वैक्सीनेशन कार्य तो हम 29 तारीख से प्रारंभ करा देंगे। 29 से? 29 पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश। अच्छा, दूसरा जो आप जो प्रदेशों की सीमा पर किस तरह से चेकिंग की जाएगी, जैसे बाहर से पशु ना आए? हाँ, प्रदेशों की सीमा पे हमारी पुलिस रहेगी और राजाज्ञा गृह विभाग से जारी होगी, जिलाधिकारी और SSP को, तो पूरा प्रदेश में काम हो रहा है।
हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपना प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।